अभिषेक कुमार ने दी मुनव्वर फारूकी को ये वार्निंग। मीशा मालविया हुई अभिषेक को लेकर जलस। फिल सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 का आगाज हो चुका और कंटेस्टेंट भी शो में आकर धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच में टकरार देखने को मिल रही है, तो कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी है जो एक दूसरे के साथ अच्छी से दोस्ती कर बैठे हैं। इनमें से है अभिषेक कुमार, ईशा मालविया और मुनव्वर फारूकी। जी हाँ, इनकी तिगड़ी हमें शो में देखने को मिल रही है, जहाँ पर मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार के बीच में अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। वही ईशा मालवीय और मुनव्वर फारूकी के बीच की भी जो ट्विनिंग है वो काफी ज्यादा सही बैठ रही है। मुनव्वर फारूकी ईशा मालवीय के अच्छे इस शो में दोस्त भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक कुमार जो है उन्होंने मुनव्वर को एक वार्निंग दी है। अभिषेक मुनव्वर को वार्निंग देते हुए समझाते हुए नजर आए कि उन्हें ईशा से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईशा यहाँ पर सिर्फ अपना गेम खेल रही है और वो सिंगल नहीं है। अभिषेक शो में ये भी बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं और मुनव्वर से कहते हैं कि ईशा का बंदा घर के बाहर है। बस ईशा यहाँ पर ये बात इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि वो अपने गेम प्लान को काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है। जिसके बाद अभिषेक ये भी कहते हुए नजर आए कि वो किसी लड़की के साथ आज भी अच्छे से डेटिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि ईशा जो है वो उनके दिमाग और दिल से निकल ही नहीं पा रही है। इस पर मुनव्वर फारूकी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर तू किसी को डेट भी कर लेगा तो भी ईशा जो है वो हमेशा तेरे जहन में रहेगी। वहीं लाइव फीड में आगे देखने को मिलता है कि अभिषेक कुमार जो है वो मन्नारा चोपड़ा के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं और उन्हें अपना लॉकेट भी गिफ्ट के तौर पर देते हैं। जिसके बाद मन्नारा अभिषेक को थैंक यू कहती है और उनसे कहती हुई नजर आती है कि वो शो से बाहर जाने के बाद अभिषेक के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी निकालेंगी। इस पर अभिषेक कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि वो मन्नारा के साथ एक रोमांटिक म्यूजिक वीडियो करना चाहते हैं। मन्नारा जो है वो अभिषेक की दी हुई चेन पहन नहीं पाती, जिसके बाद अभिषेक अपने हाथों से मन्नारा को चेन भी पहनाते हुए नजर आते हैं और ईशा ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा जलस हो रही होती है। तो यहाँ लाइव फीड में ये सारी चीजें साफ तौर पर देखने को मिली कि ईशा के मन में भी जेलसी है कि अभिषेक ऐसे किसी और लड़की को लॉकेट कैसे पहना सकते हैं। वही मन्नारा और अभिषेक बातचीत करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर मन्नारा कहती है कि वो रोमांटिक म्यूजिक वीडियोस में ही बस काम करती है। इसके बाद अभिषेक कहते हैं कि लेकिन अगर मन्नारा उनके साथ रोमांटिक वीडियो में काम करेंगी तो वो किसी और के साथ रोमांटिक वीडियो में काम नहीं करेंगी। इस पर मन्नारा साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि वो अपने वर्क के लिए किसी के साथ भी काम कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अभिषेक के साथ काम करेंगी तो उसके बाद वो किसी और मेल के साथ काम नहीं करेंगी। वेल, यहाँ पर ये जो शो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि अभिषेक को लेकर ईशा मालविया और मन्नारा चोपड़ा के बीच में कैट फाइट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मन्नारा लगातार ईशा को टारगेट करती हुई नजर आ रही है और उनके बारे में काफी कुछ भला बुरा भी कह रही है और अभिषेक के साथ गॉसिपिंग भी करती हुई नजर आ रही है ईशा को लेकर। और अब तो मन्नारा ने हद ही कर दी है और अभिषेक के साथ वो फ्लर्ट भी करती हुई नजर आ रही है। बोले आपका इस अपडेट के बारे में क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब